और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में भी गणपति उत्सव के दौरान ईद उल मिलाद के पर्व को लेकर दो खबरें सामने आई हैं। देखिए, एक तरफ झांसी में गणपति विसर्जन के दौरान हुई झड़प में कुछ लोग जख्मी हैं, अब पुलिस ने मारपीट के तीन आरोपियों को पकड़ा है। दूसरी ओर बरेली में ईद उल मिलाद पर जुलूस के रूट को लेकर गतिरोध पैदा हो गया था, जिसे देर रात सुलझा लिया गया। दरअसल बरेली में ईद उल मिलाद के मौके पर अंजुमन जुलूस निकलता है, उस जुलूस के रूट को लेकर विवाद हो गया था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जुलूस के लिए तय रूट से अलग के रूट पर जुलूस निकालने की प्रशासन ने इजाजत दे दी थी। इसके विरोध में देर रात सड़क पर हिंदू समुदाय के लोगों ने धरना शुरू कर दिया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस रूट पर डीजे के साथ जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है, उस रूट पर सावन महीने में भी डीजे के साथ कांवड़ यात्रा निकालने की मनाही थी, इसलिए ईद उल मिलाद पर भी डीजे के साथ जुलूस नहीं निकलेगा। तनाव के हालात को देखते हुए एसपी सिटी और सीओ से लेकर एडीएम तक सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने रात भर दोनों पक्षों के साथ बातचीत करके मामले में सहमति बनाने में कामयाबी हासिल की। हमारा भी क्षेत्र जोगी नवादा में मौर्य गली में दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे, इस तरह की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी। बातचीत के क्रम में दोनों पक्ष अपने अपने कुछ तथ्य सामने रख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। लगभग अभी सुबह 6 बजे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत की क्रम में, क्योंकि मुख्य जुलूस का जो समय था वहाँ पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप अपनी जगह से हट गए। यूपी के झांसी में दो पक्षों में मारपीट हो गई। बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा हुआ था और उसी सड़क पर दो गुटों के लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई करते नजर आए। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या नौजवान, सभी एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। ये तस्वीर देख लीजिए। इस झड़प में कई लोगों के कपड़े फट गए, कुछ लोगों को चोट आई है। इस मारपीट की सूचना मिलने के बाद एक समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और थाने के सामने ही सड़क पर बैठकर धरना और नारेबाजी शुरू हो गई। इस प्रदर्शन में हिंदू संगठन के लोग भी जमा होने लगे और मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। अगले कुछ ही मिनट्स के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की और मारपीट के आरोपियों को पकड़कर थाने लेकर आई। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप था कि गणपति विसर्जन के दौरान उड़ाया जा रहा रंग एक युवक को पड़ गया था और जब लोग विसर्जन करके घर वापस लौट रहे थे तो उनके साथ मारपीट कर दी गई। ये गणपति लेके जा रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने रोक टोक की तो बोले भजन गाने से और गाने 8 दिन से वो कर ही रहे थे तो उसमें तो हमने कोई ऐतराज नहीं किया उनसे। चल भाई करते रहो, थोड़ा बजाया और चल दे, चलो बंद कर दिया, फिर बजाया, ठीक है ना। आज लेके गए, फिर यार ये फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, डायरेक्ट डली हुई है पीछे की। और उसके बाद वापस आए ना, बोल आप जैसे घर पे ही आए, कपड़े भी बदले भी नहीं है और आने उन लोगों ने पूरा टेस्ट कर दिया, बस मानना पूछना चालू कर दिया। थाना मोड़ में आज शाम के समय 6:30 के आसपास मुन्ना रायकवार और उनके पड़ोसी साहिब जो अपने ससुराल में रहता है, किसी बात को लेकर इनका विवाद हो गया जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हैं, तो घायल का इलाज किया गया है और दूसरे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और इसमें जो बात जांच में ये आई है कि इसमें मूर्ति विसर्जन को लेकर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि वो मूर्ति विसर्जन करके लौट आए थे, घर में बैठे हुए थे, उसके बाद किसी बात को लेकर इनकी मारपीट हुई है।